तो जैसे कि दोस्तों जापान की दिगंबर ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा अपनी बहुप्रस्तुत होंडा एचआरवी के कॉन्सेप्ट एसयूवी के तौर पे भारत में लॉन्च करने का फैसला किया है। इस कार को सबसे पहले आखिरकार जापान के ग्लोबल डेब्यू में दिखाया गया है। होंडा एचआरवी एसयूवी की जापान और चीन में वेजिस के नाम से पहले से ही उपलब्ध करवाई गई है। जल्दी इसे न्यू जनरेशन अवतार में भारतीय बाजार में भी लॉन्च करने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन इससे पहले इस एसयूवी को जापान में ऑल न्यू वेगिस के रूप में पेश कर दिया गया है। भारत में होंडा के चाहने वाले इस कार का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार एचआरवी को भारतीय बाजार में अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तीसरी जनरेशन मॉडल को देश में 2021 के दौरान पेश किया जाएगा। बताना चाहूंगा दोस्तों कि भारत में आने वाली होंडा एचआरवी 2021 में आपको हाइब्रिड सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही इसके डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव तथा फीचर्स को अपडेट करके मार्केट में लाया गया है। यहां जानते हैं हम इस कार के कुछ स्पेसिफिकेशन तथा भारत में लॉन्च होने वाली कीमत के बारे में। इंजन तथा पावर की बात कर ले तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दूंगी होंडा की ब्रांड न्यू आने वाली एचआरवी नेक्स्ट जनरेशन को एचईवी पावर 10 के साथ भी मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, जो कि 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ शामिल की गई है। इसमें लिथियम आयरन बैटरी और एक फिक्स गियर ट्रांसमिशन का विकल्प भारत में आप सभी को मिलने वाला है। होंडा एचआरवी में नए मजबूत हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल कंपनी ने किया है, जो कि भारत की सड़कों पर आप सभी को 109 bhp की जबरदस्त मैक्सिमम पावर तथा 9.5 सेकंड में ये कार 0 से लेकर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ पाने में क्षमता रखती है। न्यू 2021 होंडा एचआरवी में तीन हाइब्रिड मोड, इंजन ड्राइवर, इलेक्ट्रिक ड्राइवर और हाइब्रिड ड्राइवर मोड ऑप्शन आपको देखने को पहली बार इस कार के अंदर मुहैया करवाए गए हैं। माइलेज की बात करें तो भारतीय बाजार में आने वाली दोस्तों होंडा की अपकमिंग न्यू एससीवी कार एचआरवी का माइलेज प्रति लीटर में 27 से लेकर 31 के बीच में भारत में बताया जा रहा है। अब ओवरऑल लुक की बात करें तो 2021 होंडा एचआरवी का लुक बिल्कुल कूपे कार की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें दिए गए नए फ्रंट ग्रिल तथा इंडिकेटर एलईडी डीआरएल्स के साथ स्लिंग एलईडी हेडलैम्प्स तथा एम्बिएंट फ्रंट बम्पर और चेसिंग लुक वाले बोनट को स्पोर्टी तौर पे तैयार किया है, और साथ ही साथ इस कार में आपको स्पोर्टी फोग लैंप्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस कार की खूबसूरती को बाहर से और भी ज्यादा उभारते हैं। साथ ही साथ इस एसयूवी के साइड प्रोफाइल को पीछे के दरवाजों के हैंडल के साथ एग्लोबर सी पिलर ऑप्शन पे कन्वर्ट किया गया है। इसके साथ ही इसे स्पोकिंग रूफ लाइनअप और आकर्षक व्हील आर्च के साथ डुअल टोन मशीन कट अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ मार्केट में लाया जाएगा। साथ ही साथ इस कार में आप सभी को टर्न इंडिकेटर के साथ डुअल टोन ORABMs और साइड बॉडी कलेरियंस के साथ सजाया गया है, जो कि इस कार के लुक को और भी ज्यादा निखारता है। अब पीछे के लुक की बात करें तो दोस्तों एसयूवी के पीछे वाले हिस्से में नए डिजाइन वाले एलईडी टेल लाइट्स और अपडेट बम्पर का इस्तेमाल कंपनी ने किया है। पिछले मॉडल की तुलना में नई होंडा एचआरवी 2021 भारत में बड़ी दिखाई देने वाली है, और इसके कैबिन में ज्यादा जगह देखने को आपको मिलने वाली है। नई 2021 होंडा एचआरवी के कैबिन के अंदर भी काफी आरामदायक तथा बदलावों के साथ इस कार को 2021 वेरिएंट के साथ मार्केट में लाया जा रहा है। 2021 होंडा एचआरवी में कई फीचर्स आप सभी को नए मॉडल में देखने को मिलेंगे। इसके कुछ अहम फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो तथा नेविगेशन सपोर्ट वॉइस कंट्रोल सिस्टम ओवर से लैस किया गया है, जिसका साइज 7 इंच का होने वाला है। साथ ही साथ इस कार में TFT होंडा कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, रियर सेंसर टोन और पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेशन के साथ लेदर सीट और रिमोट बोट ओपनिंग हील डिस्क कंट्रोल, होंडा सेविंग टेक्नोलॉजी तथा एक्सट्रीम कंट्रोल लाइनअप, ब्लाइंड स्पॉट जैसे अन्य फीचर्स को इस कार में मौजूद करके भारत में लाया जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि होंडा की आने वाली नेक्स्ट जनरेशन एचआरवी को 6 मोनोटोन पेंट कलर ऑप्शन के साथ लाया जाएगा। इस कार में आप सभी को आपके हिसाब से कलर चुनने का ऑप्शन भी मिलने वाला है।
साथ ही साथ HR-V को डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ भारत में लाने की तैयारी चल रही है। हालांकि दोस्तों कार निर्माता ने अभी इसके भारत में लॉन्च की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, मगर लेकिन रिपोर्ट में के मुताबिक इस साल के मई तक होंडा HR-V SCV को भारत में लाया जा सकता है, जो कि निश्चित तय किया गया है। भारत में इस कार की ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी होंडा के द्वारा प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, यानी इस कार को आप घर बैठे भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। भारत में इस कार का वेटिंग पीरियड 3 महीने तक बताया जा रहा है। भारतीय बाजार में होंडा HR-V SCV का मुकाबला मुख्य रूप से भारत में आने वाली किया सोनेट RS वेरिएंट तथा होंडा क्रेटा और जल्द लॉन्च होने वाली रेनॉल्ट्स की काइगर से होने वाला है, जो कि भारत में खूब तहलका अभी मचा रही है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए के अंतर्गत होंडा ने निश्चित एक शोरूम प्राइस तय की गई है। ऑन रोड प्राइस का दोस्तों अलग हिसाब है, ये मैंने आपको एक शोरूम प्राइस बताया है। अगर आप इस कार को जल्द से जल्द हमारे चैनल के माध्यम से प्री बुकिंग फ्री में करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स का यूज करिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।